आइए दोस्तों, आज हम यूनियन का यूज करना सीखेंगे। देखिए, हमारे पास दो टेबल हैं, एक है स्टूडेंट 1, 2, 3 और दूसरी हमारे पास है स्टूडेंट खाली। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टूडेंट 1, 2, 3 और ये है स्टूडेंट खाली, ये केवल स्टूडेंट नेम की है। अब इसमें हम यूनियन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और देखते हैं क्या होता है, यूनियन क्या करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम अपनी क्वेरी लिख लेते हैं ताकि आपको समझा सके। सेलेक्ट सेलेक्ट नेम एज स्टूडेंट नेम, ठीक है। और अब हम करेंगे यहाँ पे कहाँ से, फ्रॉम टेबल का नाम दे देंगे स्टूडेंट 1, 2, 3, स्टूडेंट 1, 2, 3। और अब हम यहाँ पे यूनियन लगाएंगे दोस्तों, यूनियन और सेलेक्ट नेम एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम। अब दूसरी टेबल हमारी क्या है, वो खाली स्टूडेंट नाम से है, स्टूडेंट। और इसमें हम दोस्तों ऑर्डर बाय भी लगा देते हैं, ऑर्डर बाय, और वो लगेगा हमारे स्टूडेंट नेम पे। स्टूडेंट नेम पे अब हम सेमी कॉलन देते हैं और अपनी क्वेरी को रन करते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ, आइए अब हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये जया है, स्टूडेंट 1, 2, 3 आईडी में एक जया है और यहाँ पे दूसरी जया है। देखिए दोस्तों, ये यूनियन क्या करता है, ये हमारी जो दो टेबल हैं, जैसे कि स्टूडेंट 1, 2, 3 और स्टूडेंट, इनमें से दोनों में से नाम को उठाएगा और एक कॉलम मतलब एक टेबल बना लेगा और ये रिपीटेड वाली को शो नहीं करेगा। मतलब जैसे राहुल यहाँ पे भी है और राहुल यहाँ पे भी है, तो ये दो बार दो जगह आ रहा है, तो ये सिर्फ एक ही बार दिखाएगा जैसे यहाँ पे। इसी तरह देखिए, अब यहाँ पे रानी भी है, रानी यहाँ पे भी आ रहा है और रानी दूसरी टेबल में भी आ रहा है, तो दो जगह रानी आ रहा है, पर ये एक बार ही दिखाएगा रानी को, देखिए। और हाँ, आप यहाँ पे यूनियन लगा लगा कर कितनी भी टेबल जोड़ सकते हैं और लास्ट में सेमी कॉलन लगा के एक लिस्ट बना सकते हैं दोस्तों नामों की, जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास एक बड़ी लिस्ट हो और ज्यादा टेबल है, तो उनमें से इस तरह आप इसको यूनियन की सहायता से यूज में ले सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। थैंक यू।